जी, मेरा नाम डॉक्टर शहनवाज अहमद डार है। मैं अभी रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर श्रीनगर, जो कि कश्मीर और लद्दाख रीजन को कैटर करता है, को देखता है। इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी पिछले 24 सालों से कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन में हायर एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है, जिसमें दो प्रोग्राम्स से जो इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर ने शुरुआत की, जिसमें 700-800 बच्चों के साथ हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ। और इस लॉन्ग जर्नी में अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखें, आजकल के दौर में देखें, आजकल के प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें इग्नो और इसके प्रोग्राम्स को देखें, तो इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी 300 के करीब प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करता है। सो दो प्रोग्राम से शुरू करके 300 प्रोग्राम्स तक हम अभी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो कि अराउंड 1000 लोग थे जो इनिशियली इग्नो के साथ जुड़े थे, तो वो नंबर 1000 से बढ़कर अभी 50,000 को क्रॉस कर चुका है। 53,000 हमारा अभी प्रेजेंट एनरोलमेंट है। इग्नो के हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी को देखें, तो वहाँ पर एक तो पहले ये है कि पहले हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, चाहे वो रेगुलर यूनिवर्सिटी है या डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है स्टूडेंट्स का। इस हिसाब से कि अगर हम कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी देखें, उसमें हम देखते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ाई कर पाते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग सेटअप में ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सेटअप इग्नो के अलावा कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की हम बात करें, जिस तरीके से हम इग्नो के प्रोग्राम्स की हम बात करें, जिस तरीके से हम इग्नो के स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की हम बात करें, तो वो हर एक तरीके से इग्नो का एक यूनिक सेटअप है, एक यूनिक मैकेनिज्म है, जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास तक अपने जो एजुकेशन है वो पहुंचा रहा है। अगर मैं कश्मीर के हवाले से और लद्दाख के हवाले से बात करूं, जो कि इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर के जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं ये कहता चलूं कि अभी इग्नो के साथ जो अभी 50,000 से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हैं, उसमें हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना 12th कम्प्लीट किया या ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, नाउ उन्होंने इग्नो के साथ अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखा है। इग्नो के साथ अभी डिफरेंट तबकों से जो लोग हैं वो भी जुड़ चुके हैं, वो भी अपनी जो तालीम है वो हासिल करते हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, टीचर्स है, या बाकी डिपार्टमेंट से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है, और ख़ासकर जो डिसएडवेंटेज्ड ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी है, जिसमें जो लोग हिली एरियाज से या जो लोग कुछ चैलेंजेस की वजह से, कुछ डिसेबिलिटीज़ की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ साथ अगर हम वुमेन फोक की बात करें, जो कि बेसिकली अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको भी इग्नो के थ्रू एक मीडियम मिलता है जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते। और इग्नो का जो एजुकेशन का जो सेटअप है, ये ब्लेंड है रेगुलर एजुकेशन का और डिस्टेंस एजुकेशन का। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम इग्नो के लर्नर के जो सर्विसेज को देखें, एजुकेशनल सर्विसेज को हम देखें, उसमें हम उसको सैटरडे संडेज को जो हम उसके क्लासेस है वो जिसको हम काउंसलिंग सेशंस बोलते हैं, वो फेस टू फेस काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं, जो कि और किसी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है।
तो यानी कि उसको डिस्टेंस मोड में एजुकेशन हासिल करता है, लेकिन हम उसको एक्सपर्ट्स की जो गाइडेंस है, एक्सपर्ट की जो सुपरविजन है वो भी देते हैं। जो संडेज को जो स्टूडेंट जाते हैं स्टडी सेंटर्स में जाते हैं, स्टडी सेंटर्स में वो उन एक्सपर्ट्स के साथ जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो भी उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे वो क्लैरिफाई कर पाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ कि जो इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर है, तो हमारे पास अभी 43 जो स्टडी सेंटर्स है वो कश्मीर रीजन में है, और 2 स्टडी सेंटर्स जो है वो लद्दाख रीजन में है, लेह और करगिल में। तो इन स्टडी सेंटर्स के थ्रू हम उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि इग्नो के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स है या जो हमारे जिनको हम काउंसलर्स कहते हैं, अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स कहते हैं, सो वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमारे पास अभी 3000 से ज़्यादा जो एकेडमिक काउंसलर्स है, अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स है, एक्सपर्ट्स है, जो कि अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज में जो उनका एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस है इग्नो में किसी एक्सपर्ट को एज अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर बनाना, तो उसका एक प्रोसेस है अपना, जिसमें हम उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस को देखते हैं, तभी जाके फिर हम उसको अप्रूव करते हैं एज एकेडमिक काउंसलर। तो उस हिसाब से जो स्टूडेंट्स को जो एक्सपर्ट्स या सुपरवाइजर्स की जो गाइडेंस मिलती है, टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, तो वो अपने सब्जेक्ट एरियाज में एक्सपर्ट्स है अपने सब्जेक्ट एरियाज में, सो दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ साथ जैसे मैंने एजुकेशनल सेटअप की बात करी, मैंने कहा कि हम एक ब्लेंड देते हैं डिस्टेंस एजुकेशन का और रेगुलर एजुकेशन का, उसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स जो भी जिन प्रोग्राम्स के हैं, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो और कोई कोर्स है, साइंस कोर्सेज है, तो उनमें जो भी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हम एक जैसे रेगुलर सेटअप में बच्चा वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स कंप्लीट करता है, तो उसी तरीके से ये जो हमारे स्टडी सेंटर्स है, जैसे मैंने 43 स्टडी सेंटर्स की बात करी जो कश्मीर रीजन में है, और 2 स्टडी सेंटर्स जो लद्दाख रीजन में है, तो इन स्टडी सेंटर्स के थ्रू हम ये जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है उनके वो भी कंप्लीट कराते हैं। जैसे मैंने बोला कि चाहे वो साइंस का प्रैक्टिकल होगा, चाहे वो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, चाहे वो कोई डिसर्टेशन होगा, सिनॉप्सिस होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, फील्ड वर्क होगा, तो उन सभी चीज़ों के लिए हम इग्नो में एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को, एक एक्सपर्ट की गाइडेंस, एक एक्सपर्ट का जो सुपरविजन है वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक्सपर्ट की जो का जो उसका जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से एक इग्नो लर्नर को एक एजुकेशन का एक्सपीरियंस होता है, जो कि डिस्टेंस लर्निंग भी है, लेकिन जो फॉर्मल जो सेटअप है हमारा, जो कन्वेंशनल सेटअप है हमारा एजुकेशन का, जिसमें जो स्टूडेंट है जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करता है, ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स अटेंड करता है, वो एक एक्सपोजर भी मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक रेगुलर यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, उस रेगुलर यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग का जो मोड है उसकी जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक स्टूडेंट जो है अगर वो बिजनेसमैन है, एक स्टूडेंट जो है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक स्टूडेंट जो है अगर वो हाउस वाइफ है, एक स्टूडेंट जो है जो डिफरेंटली चैलेंजेड है, तो उसके लिए भी इग्नो ने उस तरीके से एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है, ताकि वो अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपर्टीज को और भी ज़्यादा निखारे, और भी ज़्यादा इन डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में बढ़ाए। मैं आपको ये भी कहता चलूं कि हमारे पास इग्नो के पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट्स में, अपने जो डिपार्टमेंट्स में अच्छे ओहदों पर है, और वो इग्नो को देखते हैं कि इग्नो ने जो वैल्यू एडिशन उनके नॉलेज का है वो अगर हो सकता है कहीं पर, वो इग्नो के थ्रू हो सकता है। क्योंकि जब हम इग्नो के स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, इग्नो के प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो इग्नो ने टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कहूँ, हमने रिसेंटली 67
नए प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें कुछ ओडीएल प्रोग्राम्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं और कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। लाइक एमए इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो प्रोग्राम है वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, एमए इन जर्नलिज्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन उर्दू है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस है, स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस की जो इम्पोर्टेंस है, रीजनल लैंग्वेजेस की जो एनईपी के तहत हम कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस जो है उनको प्रमोट करना है, जो मल्टी लिंगुअल जो कंसेप्ट अब एजुकेशन का आ रहा है थ्रू न्यू नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च्ड प्रोग्राम्स इन अरबिक, मास्टर्स ऑफ अरबिक प्रोग्राम ने लॉन्च किया है, हम कश्मीरी में प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, सो मास्टर्स इन कश्मीरी प्रोग्राम हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। तो इग्नो का जो सेटअप है, इग्नो का जो यूनिक सेटअप है, जैसे हम बहुत कंसर्न है जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल होता है कि उसका जो टाइम है वो कितना टाइम हमारे पास देता है। हमारा एक यूनिक सेटअप है जिसमें हम एग्जामिनेशन का जो टाइम है हमने वो फिक्स रखा है। हम साल में दो बार एग्जाम करते हैं, वो जून का महीना है और दिसंबर का महीना है, ये दो महीने फिक्स रहे एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरीके से जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस हमारा फिक्स है, जनवरी और जुलाई में हमारा एडमिशन होता है प्रोग्राम्स के लिए। तो हम राउंड द ईयर एक जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, जो एडमिशन का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रखते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से दूर न रहे, ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक कम्युनिटी के जो हमारे जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करें कि वो कभी भी चाहे तो एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहूँ कि अभी जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो जनवरी 2023 के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि नए भी कुछ प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, तो 300 के करीब प्रोग्राम्स जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं अभी। तो जनवरी 2023 का जो एडमिशन साइकिल है वो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारी लास्ट डेट एडमिशन की 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2023 है। तो ये जो एडमिशन हमने शुरू किया है, तो एडमिशन के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमने इग्नो की मेन वेबसाइट पे www.igno.ac.in पे भी रखी है, जो हमारे रीजनल सेंटर श्रीनगर की वेबसाइट है rcsrinagar.igno.ac.in है, उस पे भी हमने रखा है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे एडमिशन करना चाहता है, वो जो हमारा जो कॉमन प्रोस्पेक्टस डिफरेंट प्रोग्राम्स का होता है, सभी प्रोग्राम्स का हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस रहता है, तो वो प्रोस्पेक्टस देखे, वहाँ से जो उनको प्रोग्राम लगे कि जो वो करना चाहते हैं वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू उस प्रोग्राम की डिटेल ले ले। और इग्नो में हमने पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन रखा है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, चाहे वो और कोई चीज़ है। सो अ स्टूडेंट डोंट हैव टू विजिट, उसको किसी स्टडी सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है, रीजनल सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है, उसको सभी जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन मिलेगी। यूथ के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी, जो यूथ मतलब कि घर में बैठे हुए हैं? तो मैं अपने यूथ के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इग्नो ने उनके लिए बहुत सारे नए प्रोग्राम्स, जो हमारे जो प्रेजेंट जो सेटअप है एजुकेशन का, जो सेटअप है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें हम वोकेशनल कोर्सेज की हम बात करते हैं, तो इग्नो के पास बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने एग्री बिजनेस की बात करी, मैंने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की बात करी, मैंने डिजिटल ये जो जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैंने बात करी, मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इग्नो ऑफर कराता है, जो कि उनके जो स्किल्स है उसमें चार चांद लगाएगा, चाहे वो उस एरिया से अभी ऑलरेडी जुड़े हैं या उस एरिया में वो एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें, और जहां से उनको एक नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट हो जाएंगी, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब को के लिए अगर वो देख रहे हैं, तो आई थिंक दिस विल बी द ये बेस्ट प्रोग्राम्स होंगे उनके लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनकी एक्सपर्टीज के लिए, उनको एक वैल्यू वो ऐड करेंगे जो कि उनके पास रहेगा इन प्रोग्राम्स के थ्रू।